मीडिया कॉन्फ्रेंस के माध्यम से सीतामढ़ी सदर डीएसपी रामाकृष्णा ने 3 मामले को किया है खुलासा, एक साथ दी है जानकारी। एसपी मनोज कुमार तिवारी के निर्देश अनुसार कौन से 3 मामले हैं जिनका खुलासा ये कर रहे हैं, आइए आपको पुष्टि कराते हैं सीतामढ़ी सदर डीएसपी रामाकृष्णा से। सर्वप्रथम आपको बताना चाहेंगे कि परसौनी थाना अंतर्गत परशुरामपुर जो गांव है वहां पर कुछ लोगों द्वारा चोरी की मोटरसाइकिल रखने इत्यादि को लेकर सूचना प्राप्त हुई, जिसके सत्यापन एवं आवश्यक कार्रवाई के लिए परसौनी थाना प्रभारी श्रीमती सुनीता जी गई थी। वहां पर उन्होंने सत्यापन के क्रम में वहां पर से एक मोटरसाइकिल को जो है बरामद किया, साथ ही जो व्यक्ति था, दो अपराधियों को पकड़ा गया जिनका नाम क्रमशः दिव्यानंद कुमार और संत कुमार है एवं आनंद मोहन यादव है। दोनों के विरुद्ध आर्म्स एक्ट, एक्साइज प्रोहिबिशन एक्साइज और लूट, इनके अंदर केसेस दर्ज हैं। पूर्व से ये तीनों अभियुक्त रह चुके हैं। इनके साथ एक कट्टा और गोली भी बरामद हुई है। तो ये परसौनी थाना की अचीवमेंट थी। इसके अतिरिक्त हम आपको बताना चाहेंगे कि आज सुबह एक विवादित जमीन पे कब्जा करने के उद्देश्य से कुछ अपराधियों द्वारा वहाँ पर डेरा डाला गया था, जिसकी सूचना प्राप्ति के उपरांत आवश्यक कार्रवाई हेतु अपर थानाध्यक्ष जो रीगा के हैं मनीष कुमार, वो वहाँ गए अपने दलबल के साथ एवं उनको अप्रीहेंड किया गया। उनके द्वारा अप्रीहेंशन के क्रम में और जांच पड़ताल के क्रम में वहाँ से 2 मोटरसाइकिल बरामद हुई, जिसमें से कि एक मोटरसाइकिल चोरी की है, उनसे मोबाइल इत्यादि भी बरामद हुई हैं और एक देसी पिस्टल और 3 कारतूस बरामद भी हुई। इन लोगों का उद्देश्य मुख्यतः उस जमीन को अपने बल प्रयोग करके वहाँ पर उसका अपना वर्चस्व जमाना था। जो अपराधकर्मी वहाँ गिरफ्तार हुए हैं वो संजय कापर उर्फ कालू, अंकित कुमार और जो तीसरा अपराधकर्मी है रामकृष्ण शर्मा उर्फ गुड्डू सिंह, जो कि एक कुख्यात है, उस पर्टिकुलर एरिया का एक कुख्यात अपराधकर्मी है। उसके विरुद्ध लूट, डकैती इत्यादि के और मर्डर के कांड पूर्व से दर्ज हैं। तो ये दो कांड हो गए। तीसरी बात जो हम आपको बताना चाहते हैं वो ये है कि मेजरगंज थाना अंतर्गत अभी 2-3 दिन पहले दिनांक 16 तारीख को एक कांड दर्ज हुआ है 356-23, जिसके तहत 3 बच्चियां जो हैं वो मेजरगंज थाना से क्षेत्र से, वो तीनों माइनर बच्चियां थी, वो अचानक से गुमशुदा हो गई थी। उनकी गुमशुदगी का रिपोर्ट दर्ज किया गया था। जांच के क्रम में हम लोगों के तकनीकी अनुसंधान करके पता चला कि वो लड़कियाँ जो हैं यहाँ से दूर चली गई हैं और दिल्ली में उन लोगों का हम लोगों को सुराग मिला। टेक्निकल टीम, मेजरगंज थाना के पदाधिकारी, खासकर जो अनुसंधानकर्ता थे पंकज कुमार, उनके द्वारा एक टीम बनाकर हम लोगों को भेजा गया दिल्ली। हम लोग उसका डायरेक्टली नियंत्रण कर रहे थे एसपी साहब के निर्देशन में और उस टीम को सफलता हाथ लगी जब तीनों बच्चियां सकुशल बरामद हो गई हैं। अभी उनकी बरामदगी के उपरांत उन लोगों को यहाँ ज़िले में वापस लाया जा रहा है। तो रात बिरात वो लोग वापस ज़िले में आ जाएँ। बच्चे क्यों गई यहाँ से? बच्चियाँ के जाने की वजह भी यहाँ पर आकर पूछताछ इत्यादि होगी और जब उनका माननीय न्यायालय में बयान कराया जाएगा तब सारी वजह क्लियर हो पाएगी। अभी फिलहाल हमें जो पता था, जो कांड दर्ज की गई थी कि बच्चियां गायब हो गई थी, उनकी गायब होने के उपरांत उनको बरामद कर लेना, हम उसे एक अच्छी सफलता मानते हैं। संगीनी मामले में अगर प्रशासन को कॉल किया जाता है तो वो कहते हैं मेरा मैटर नहीं है, सीओ का मैटर है, तो फिलहाल क्या करेगा पब्लिक? कोई भी क्रिमिनल मैटर रिपोर्ट किया जाता है उस पर पुलिस की बिल्कुल कर्तव्य बनती है कि कोई भी क्रिमिनल मैटर चाहे किसी भी वजह से हो, अगर कोई क्रिमिनल मैटर में कॉग्निजेंस लेना है पुलिस ज़रूर लेगी। पुलिस वहाँ पर जो उचित कार्रवाई है वो करेगी। अगर वो प्योरली ज़मीनी विवाद है, जो कि ज़मीन पे दो पक्ष का एक दूसरे पे क्लेम और काउंटर क्लेम बन रहा है, तो वो जाहिर सी बात है कि वो सीओ या उस स्तर के पदाधिकारी, DCLR, ADM इत्यादि जो स्तर के पदाधिकारी हैं, उन स्तर से उसका निपटारा हो जाने के उपरांत ही पुलिस उस पर डिसीजन ले सकता है।